नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ हर मास 14 जनवरी तक कौन से काम करें और कौन से नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर्ष में 2 बार जब सूर्य गुरु की राशि धनु व मीन में होता है, उस समय को खर मास व पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इस बार खर मास का प्रारंभ 14 दिसंबर गुरुवार से हो चुका है, जो 14 जनवरी 2017 शनिवार को समाप्त होगा। इस मास की मन मास की दृष्टि से जितनी निंदा है, पुरुषोत्तम मास की दृष्टि से उससे कहीं श्रेष्ठ महिमा भी है। धर्म ग्रंथों में खर मास से संबंधित अनेक नियम बताए गए हैं। उन नियमों के बारे में जानने के लिए हम आपको बता रहे हैं। इसलिए कहते हैं खर को पुरुषोत्तम मास। हिंदू धर्म शास्त्रों में खर मास को बहुत ही पूजनीय बताया गया है। खर मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। खर मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है, इसके संबंध में हमारे शास्त्रों में एक कथा का वर्णन है, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में जब सर्वप्रथम खर मास की उत्पत्ति हुई, तो वह स्वामी रहित मल मास देव पितर आदि की पूजा तथा मंगल कार्यों के लिए वर्जित माना गया। इसी कारण सभी ओर उसकी निंदा होने लगी। निंदा से दुखी होकर मलमास भगवान विष्णु के पास बैकुंठ लोक में पहुंचा और अपनी पीड़ा बताई। तब भगवान विष्णु मलमास को लेकर गोलोक गए। वहां भगवान श्री कृष्ण मोर पंख का मुकुट व बिजंती माला धारण कर स्वर्ण चरित सिंहासन पर बैठे थे। भगवान विष्णु ने मल मास को श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक करवाया। वह कहा कि यह मल मास देव वेद शास्त्रों के अनुसार पूर्ण कर्मों के लिए अयोग्य माना गया है, इसलिए सभी इसकी निंदा करते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि से कोई भी मल मास की निंदा नहीं करेगा, क्योंकि आपसे मैं इसे अपना नाम देता हूँ। यह जगत में पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात होगा। मैं इस मास का स्वामी बन गया हूँ। जिस परम धाम गोलोक को पाने के लिए ऋषि तपस्या करते हैं, वहीं दुर्लभ पद पुरुषोत्तम मास में स्नान पूजन अनुष्ठान व दान करने वाले को सरलता से प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार मल मास पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस महीने में गेहूं, चावल, सफ़ेद धान, मूंग, जौ, तिल, मटर, बथुआ, शहतूत, सामक, ककड़ी, केला, घी, कटहल, आम, हर्रे, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, सेंधा, नमक नहीं खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त घर में मांस, शहद, चावल का बांड, चौलाई, उड़द, प्याज, लहसुन, नागर मोथा, गाजर, मूली, राई, नशे की चीज़ें, दाल, तिल का तेल और दूषित अन्न का त्याग करना चाहिए। तांबे के बर्तन में गाय का दूध, चमड़े में रखा हुआ पानी और केवल अपने लिए ही पकाया हुआ अन्न दूषित माना गया है, इसलिए इनका भी त्याग करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में जमीन पर सोना, पत्तल पर भोजन करना, शाम को एक वक्त भोजन करना, रजस वाला स्त्री से दूर रहना और संस्कारहीन लोगों से संपर्क नहीं रखना चाहिए। किसी से भी विवाद नहीं करना चाहिए। पराई स्त्री के साथ संसर्ग नहीं करना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गाय, साधु, सन्यासी और स्त्री की निंदा नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।